पेट्रोल पंप मिला तुम्हें? ना मिला। अच्छा, कोई और सरकार सहायता राशि? दोनों नौकरी के गए, कोई नौकरी मिली ना, ये को गिना मिली नौकरी। और जो पारंग पैसा लगाया मैं 3 लाख रुपया लगाया है मूर्ति को छतरी तो सरकार तो कोई मिली सुविधा? कोई नहीं, सुविधा कोई नहीं मिली, खाली पैसा जो फोन सब कटो का है, फंड से कोई पैसा आया बस संपत्ति रिस्क एलाउंस वगैरह दिया है। हाँ, फंड या कोई प्रति पैसा एक नहीं आया वहाँ को। कौन सन में शहीद हुए तुम्हारे हेमराज भाई? 2013 में। 2013 में? हाँ भैया, इतने पढ़ी ना हूँ। 2013 में कोई सरकार मुझे सहायता राशि नहीं है ये घर। मैंने एकदम ये देखो घर में भी आधारभूत सुविधा नहीं है, ये शहीद भाई के लिए कोई वो नहीं है। सुलभ शौचालय भी घर में नहीं है, कोई शौचालय भी नहीं है, कोई भी मतलब कोई सारे सुविधा कुछ ना है घर में। ये हमारे में फेसबुक पर लाइव भी आता। मैं नदीम अकरम, देश के सैनिकों के दुर्व्यवहार का अपने आप में दम भरने वाली राष्ट्रवादी सरकार यानी कि हमारी मोदी सरकार का चेहरा छुपा हुआ नहीं है। जहां बात मुस्लिम शहीद की आती है तो गोदी मीडिया से कैसे खबरें गायब हो जाती है इसके बारे में हम लगातार आपको बताते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि सैनिकों को अपने खर्चे से ही वर्दी और जूते खरीदने पड़ेंगे। और अभी एक नई घटना जो घटी थी, दो सैनिक हमारे शहीद हो गए थे कश्मीर में देश की हिफाजत के लिए, उसमें दो सैनिकों के नाम सामने आए थे, एक द्विवेदी और एक यादव। जब मुआवजा देने की बात आई तो द्विवेदी को 25 लाख का मुआवजा दिया गया और यादव को 20 लाख का। तो इस पर ज्यादा ना बात करके शहीद सैनिक हेमराज की बात करेंगे। हेमराज तो आपको याद होंगे ना, जिन्होंने कश्मीर में हमारी हिफाजत के लिए, हमारी गवर्नमेंट ठीक से रहे, हम लोग हिफाजत से रहे, अपनी जान कुर्बान करने के लिए सेकंड नहीं लगाई और देश के लिए कुर्बान हो गए। उसी हेमराज की बात कर रहे हैं जहां जिनकी विधवा ने सरकार से मांग लिखी थी कि जब तक मेरे पति को मारने वाले का सर नहीं आएगा वो चैन से नहीं बैठेगी। और उन्होंने मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि मेरे पति को मारने वाले का सर लाकर के मेरे सामने रखा जाए। इसको लेकर के वो काफी दिनों तक अनशन पर बैठी रही। कई भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा नेताओं ने उनके घर जाकर के फोटो खिंचवाई, तमाम बड़े बड़े वादे किए, तमाम बड़े बड़े वादों के पुलिंदे मोदी सरकार के नेताओं ने बांधे, फोटो खिंचवाई और हमदर्दी जताई और एक गोदी मीडिया के थ्रू ये प्रोपेगेंडा पहुंचाने की कोशिश करी हम और आप तक कि हम लोग सैनिकों के कितने बड़े हमदर्द हैं। आखिर ये वादे और ये दिखावा सिर्फ गोदी मीडिया और लिखित में देने के लिए होता है, जब जमीनी स्तर पर जाकर के इसे खंगाला जाता है तो इसके पहलू कुछ और ही निकल करके हम लोगों के सामने आते हैं। सोशल मीडिया पर ही एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जो हेमराज की मां का है। हेमराज की मां का ये वीडियो जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि हेमराज की मां ये कह रही है कि उनके पास अभी तक मोदी सरकार के पास से कोई सुविधा नहीं पहुंची है। यह बहुत ही शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है कि जो सैनिक अपनी जान देश के लिए नौछावर कर देते हैं उसके परिवार की उनके जाने के बाद क्या दुर्गति होती है, यह मोदी सरकार के राज में हम लोगों को देखने को बहुत अच्छे से मिल रहा है। तो ये एक जो वीडियो है बहुत शर्मसार कर देने वाला देश को है। जब 2014 का चुनाव हुआ था तो बड़े बड़े वादे किए गए थे, बड़े बड़े झूठों के पुलिंदे या यूं कह लीजिए आज के दौर में उसे जुमला, वो महज जुमला साबित होता जा रहा है जो बड़े बड़े वादे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 की सत्ता पाने के लिए किए थे। कहा तो कहा था कि हम लोग एक के बजाय 10 सर लाएंगे,
पर आए दिन हमारे देश में आतंकवादी घटना नहीं रुक रही है, हमारे सैनिकों पर गोलियों की बरसात की जा रही है। तो ये जो दोहरा रवैया है सरकार का, जब सैनिक शहीद होता है तो बड़ी बड़ी फोटो खिंचवाने के लिए ये लोग वायदे तो कर देते हैं परंतु बाद में उस वादे को भूल जाते हैं और सैनिक के परिवार की क्या दुर्गति होती है। हमारे देश में सैनिकों के परिवार से दुर्व्यवहार इस मोदी सरकार के राज में हो रहा है। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर के मैं आपसे रूबरू होता रहूंगा और ये जो दोहरा रवैया है सरकार का उसके ऊपर भी हम लोग बात करते रहेंगे।